हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स। पेबल्स में आप सभी का स्वागत है। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, वो है सत्ता, द 48 लॉज, सत्ता के 48 नियम। ये जो कोर्स है वो स्कूल के बच्चों से लेकर कॉरपोरेट वर्ल्ड में या बिजनेस में काम करने वाले सभी लोगों के लिए है। अब आप कहेंगे कि हमारा सत्ता से क्या संबंध, क्योंकि हमारे मन में एक चीज़ होती है कि सत्ता यानी पॉलिटिक्स, राजनीति। लेकिन सत्ता का मतलब सिर्फ राजनीति नहीं होता। अभी बच्चों में सत्ता का क्या संबंध, सत्ता का संबंध बच्चों में क्या है? आपका बेटा बेटी जो स्कूल जाते हैं वो शायद आपको कभी कभी बताते होंगे कि मॉम, मैंने तो बहुत अच्छा होमवर्क किया था, बहुत कुछ किया, लेकिन मैम ने उसको ज़्यादा मार्क्स दिए, वो उनका फेवरेट है। अगर आप जॉब करते हो तो आपको ये बहुत बार एक्सपीरियंस आपने किया होगा कि आप बहुत लगन से और बहुत नॉलेजेबली और सब कुछ फुल टू आपका दे के आप काम करते हो, लेकिन जब भी प्रमोशंस या ऐसा कोई समय आता है तब कोई दूसरा आपको बाईपास करके आगे चला जाता है। अगर मैं आपको हर एक के घर का उदाहरण दूँ तो सास और बहू, इन दोनों के बीच में भी यही चलती है सत्ता। किचन की सत्ता किसके पास होनी चाहिए, कहीं सास प्रोमिनेंट होती है तो कहीं बहू प्रोमिनेंट होती है। आर्य चाणक्य, प्राचीन भारत के हमारे महान आर्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में यही सब नियम बताए हैं। रॉबर्ट ग्रीन द्वारा एक बुक लिखी गई थी, द 48 लॉज ऑफ पावर। इसमें आर्य चाणक्य और ऐसे कई महान भारतीय पंडित जो थे उनका अभ्यास करके ये बुक लिखी गई है। दया, क्षमा, शांति, मित्र प्रेम, ऑनेस्टी, ये सारे गुणों के बारे में आप बहुत आग्रही है, मतलब आप ये कभी छोड़ ही नहीं सकते। तो मेरी सलाह, ये कोर्स आप कीजिए ही मत, क्योंकि ये कोर्स जो है वो टोटली अलग तरह का है। और वर्ल्ड के जितने टॉप लोग हैं वो इन्हीं लॉस को फॉलो करके ही आगे बढ़ते हैं। भले उन्होंने ये कोर्स नहीं देखा है, ये बुक नहीं पढ़ा है, लेकिन इन बॉर्न टैलेंट से या फिर एक्सपीरियंस से वो उसका ही उपयोग करते आते हैं। कई बातें इस कोर्स में ऐसी है जो अनैतिक है। एक उसमें टॉपिक ऐसा है कि आपको सबसे ज़्यादा बचना पड़ता है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, टॉप पे अगर जाना है तो आपको बचना पड़ता है अपने मित्रों से। आप सबको साथ लेके जाइए, मित्रों को हेल्प कीजिए, साथ लेके जाइए, लेकिन एक चीज़ कभी मत भूलिए कि टॉप पे सिर्फ एक ही जगह होती है। और जब तक आप अपने मित्रों को धोखा नहीं देते, मित्रों के आगे नहीं जा सकते, तो आप वो टॉप पोजीशन पे भी नहीं जा सकते। ऐसे कई लॉज और कई बातें इस कोर्स में हैं। अगर धोखा देना है तो किस तरीके से देना है, कैसे देना है, ऐसी कई बातें इस कोर्स में हैं। तो अगर आप बहुत ही मतलब स्टबन है कि मैं मेरी दया, क्षमा, शांति वगैरह कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं अच्छे गुण नहीं छोड़ूंगा, तो आप ये कोर्स भी मत कीजिए, मत देखिए, ये कुछ मत कीजिए, और आप जहां है वहीं रहिए, जिंदगी भर वहीं रहिए। क्योंकि कहने को तो हम एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन यहाँ राज तो जंगल का चलता है। यहाँ सिर्फ दो ही तरह के लोग होते हैं, एक शिकार और एक शिकारी। अब आपको शिकार बनना है या शिकारी बनना है, यह आपके ऊपर है। यहाँ पे अगर मैंने किसी लॉ में अगर मैंने कहा कि आपको आगे जाने के लिए शायद आपके मित्रों को भी धोखा देना पड़ेगा, या किसी को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, अगर आपका कोई दुश्मन है तो दुश्मन का इस्तेमाल करके लेना पड़ेगा, उसको यूज़ करना पड़ेगा, अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शायद हम ये ठीक नहीं कर रहे। एक चीज़ जैसे मैंने शिकार और शिकारी का उदाहरण दिया, उसी तरह से मैं एक और एक चीज़ आपको बताता हूँ। आप जो भी कीजिए, आप जो भी कर रहे हैं, कभी दूसरों का बुरा करने की इच्छा से मत कीजिए। अगर आपको ऑफिस में टॉप जाना है तो आप ये सारे नियम यूज़ कीजिए, ये सारे ट्रिक्स जो है उसको आप यूज़ कीजिए, लेकिन वो अपने अच्छाई के लिए यूज़ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक रनिंग रेस है, दो जन, मैं और मेरा फ्रेंड दौड़ रहे हैं। अभी मेरे मन में मैं दो विचार ले सकता हूँ। सबसे पहला कि मैं इसे हराऊंगा,
और दूसरा कि मैं जीतूंगा। अब दोनों का सेम ही है, अगर मुझे जीतना है तो उसे हारना ही पड़ेगा या मुझे उसे हराना ही पड़ेगा, लेकिन सोचने का तरीका अलग है। पहले इसमें मैं किसी के लिए बुरा बोल रहा हूं, किसी के लिए नीचा दिखा रहा हूं, और दूसरे विचार में मैं मेरे लिए अच्छा कर रहा हूं। हर एक व्यक्ति को अपना भला करने का पूरा अधिकार है, और अगर वो करते समय अगर किसी दूसरे का बुरा होता है, अगर दूसरे किसी को चोट पहुंचती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर नहीं आती। क्योंकि अगर वो दो आइडेंटिटीज एक्सचेंज की जाए, अगर आप उसकी जगह हो वो आपकी जगह हो, तो वो भी यही करेगा। अभी मान लीजिए ये रनिंग रेस के बदले हम एग्जाम दे रहे हैं, कोई 100 मार्क्स का पेपर हम दोनों सॉल्व कर रहे हैं। सपोज वो मेरा राइवल है, मेरे क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, ऐसा लड़का है वो, तो मैं एक विचार कर सकता हूँ कि मुझे इसके आगे जाना है, इससे ज़्यादा मार्क्स मुझे मिलने चाहिए, मैं फर्स्ट आना चाहिए। और मेरा दूसरा विचार है कि मुझे फुल मार्क्स मिलने चाहिए, मैं उसे ध्यान में नहीं रख रहा हूँ। अवार्ड एक ही है, मेडल एक ही है, प्राइज एक ही है, लेकिन सोच अलग अलग है। उससे आगे मुझे जाना है या उसे हराना है, या फिर मुझे फुल मार्क्स मिलने हैं, मुझे टॉप करना है। अब दूसरा विचार ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मुझे टॉप करना है फुल मार्क्स लेके। जब मैं ऐसा करूंगा तो वो उसे तो हारना ही पड़ेगा, उससे तो आगे ही मुझे जाना पड़ेगा, तो उसमें उसका नुकसान है, लेकिन मैं उसके नुकसान के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे फायदे के लिए कर रहा हूं। अगर आप दूसरे का नुकसान सोचोगे तो क्या होगा, देखिए। मैं सोचता हूं कि मुझे इससे ज्यादा मार्क मिलने चाहिए, मुझे इसे हराना है, और तभी भगवान ने बोला तथास्तु। और अगर 100 में से उसको 40 मार्क मिल गए, तो क्या 41 मार्क मिलके आपको टॉप करना है? नहीं। तो आपकी जो सक्सेस है उसके कुछ मायने मत रखिए, उसको कुछ लिमिट्स मत रखिए, क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो उसके एक स्टेप आगे जाके अगर आपको सक्सेस मिली तो वो आपकी सक्सेस नहीं कही जाएगी। ओवरऑल जब आप देखोगे, उसको 40 मार्क मिले, मुझे 45 मार्क्स मिले, 40-45, मैं फर्स्ट आ गया, मुझे मेडल मिल गया, अवार्ड मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन जब लार्जर कैनवास पे जब मैं उसे देखता हूँ, तब 45 ये 100 के तुलना में बहुत घटिया मार्क्स है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसका बुरा चाहा, मैंने उसे हराना चाहा, इसलिए वो नहीं हुआ, इसलिए मुझे सर्वोच्च पुरस्कार है वो नहीं मिला। और दूसरे केस में उसको 40 मार्क्स ही मिले और मैंने मेरी इच्छा से मैंने टॉप किया है, 100 out of 100 ही मुझे लेना है, और मुझे मिल गए, मैंने उसको हराया, मुझे मेडल्स मिल गए, लेकिन ओवरऑल लार्जर प्लेटफॉर्म पर भी आई एम द टॉप बिकॉज आई एम हैविंग 100 out of 100, मे बी 95 out of 100, लेकिन मैंने टॉप किया है। तो ऐसे ये अगर आप देखोगे, ये कोर्स करते समय ये बात कभी मत भूलिए कि आपको दूसरे किसी का बुरा नहीं करना है, आपको खुद के लिए अच्छा करना है। और वो करते समय अगर दूसरे किसी का बुरा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर नहीं आती। अगर आप संत सज्जन संत महात्माओं की बातें अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ऑन द बेसिक लेवल जो मैं कह रहा हूं इस कोर्स में, ये जो लॉज है वो कहीं ना कहीं थोड़े से छल कपट करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको बाजी मारनी है, आपको आगे जाना है, आपको अगर सत्ता चाहिए, फिर वो किसी भी स्वरूप में हो सकती है। अगर आप मैनेज क्लर्क लेवल से मैनेजरियल लेवल तक जाना चाहते हैं, आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पे जाना चाहते हैं, अपने क्लास में अपने स्कूल में अगर आप टॉप करना चाहते हैं, सबके फेवरेट बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका नाम सब लोग ले, आप फेमस हो जाए, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। और फेमस सक्सेसफुल लोग यही सब करते हैं। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा आपसे, अब
अगले 48 वीडियोस में हम एक एक लॉ देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसको अप्लाई कैसा करना है वो भी देखेंगे। तो मैं फिर से एक बार कहता हूं, अगर आप बहुत ही संत सज्जन संत महात्मा है, आपको अगर दया क्षमा शांति और ऑनेस्टी और ये मित्रता मित्र प्रेम ये सारे गुण अगर आपको जिंदगी में कभी छोड़ने नहीं है तो आप ये कोर्स देखिए ही मत। इससे आप वह डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल बी स्टार्टिंग वन बाय वन लॉज ऑफ दिस एंड वी विल सी हाउ टू इम्प्लीमेंट इट और उसे कैसे सक्सेस में कन्वर्ट करना है। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके कॉमेंट्स का मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।